कलयुग के अवतारी बाबा खाटू श्याम का कथा उत्सव आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में शनिवार से शुरू हुआ। यह आयोजन हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है। सुबह मंगल कलश यात्रा के साथ कथा उत्सव का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में दूर दराज के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। श्री मोरवी नंदन सेवा मंडल की कोठी मीना बाजार मैदान में सप्त दिवसीय श्री खाटू श्याम कथा शुरू हो गई। कथा उत्सव में व्यासपीठ से श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नर्मदा शंकरपुरी जी महाराज भक्तजनों को प्रभु खाटू श्याम के जीवन की कथा का प्रस्तान करा रहे हैं। कोठी मीना बाजार मैदान में चल रहे श्री खाटू श्याम कथा उत्सव में महामंडलेश्वर नर्मदा शंकरपुरी जी महाराज के श्रीमुख से कथा का रसपान कर रहे कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष राम अग्रवाल ने कहा कि कथा उत्सव से पूरा नगर खाटू श्याम बाबा की भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। आज कलश यात्रा में लेडीजों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। हमने 5100 कलश का बीड़ा उठाया था, जो आज बहुत ही सफल तरीके से पूरा हुआ, जो चिंतारण मंदिर से खाटू धाम तक, मतलब खाटू धाम जो हमने अपना कोठी मीना बाजार में बनाया हुआ है वहाँ तक का जो हमारी यात्रा बहुत सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुँची। श्याम खाटू महाराज की जय। आज हमारे विश्व की पहली कथा खाटू श्याम जी की होने जा रही है, कोठी मीना बाजार में हो रही है। सुबह कलश यात्रा निकली थी, जिसमें जो हमने अपनी समीक्षा के अनुसार जो हमने कलश माताओं को दिए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अधिक माताएं उसमें भागीदारी लेनी, और ऐसा हुजूम जो है ऐसा निकला, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गंगा बह रही है। इस तरह से माताएं सारी सिर पर कलश लेकर के और बस दौड़ी चली जा रही थी, आती चली जा रही थी, पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ से गंगा बह रही है। तो मैं सभी आगरा वासियों से बस यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो आज भव्य यात्रा यहाँ निकली है, जो आगरा वासियों ने मिस कर दी है, वो आप भगवत कथा मिस मत कीजिए। उसमें काफ़ी अमृत की वर्षा हो रही है। आप सब आइए, इसे एक बार लाइव टीवी पे सुन सकते हैं, पर मैं चाहूँगी कि आप साक्षात सुने हमारे गुरु जी को। जी, बहुत ही दिव्य आयोजन हो रहा है ये, जिसके अंतर्गत 5100 महिलाओं की जो कलश यात्रा का संकल्प लिया गया था, वह आंकड़ा उसको भी पार कर चुका है। एक अपने आप में ही पूरा श्याममयी माहौल हो गया। बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा था जैसे फागुन के मेले में रिंगस के अंदर जो खाटू धाम है वहाँ जो नज़ारा दिखाई देता है, आज वो नज़ारा आगरा के अंदर दिखाई देने को मिला। सब जगह श्याम प्रेमी ही श्याम प्रेमी नजर आ रहे थे। अपने आप में ही एक अलग ही जो है श्याममयी गरिमा हर जगह नजर आ रही थी। ऐसा दिव्य कार्यक्रम देख रहा हूँ जो कि विश्व में पहली बार आगरा की इस धरा पर खाटू धाम का स्वरूप इस पूरे आगरा शहर में ऐसी दिव्य और भव्य श्रीमद् भागवत कथा, जो बाबा की भागवत कथा है, जिसमें आज जो कलश यात्रा जो अकल्पनीय देखने को मिली, जिसमें लगभग अनुमानित 5000 से ज़्यादा माताओं ने सर पर कलश रखकर और इस पूरी कलश यात्रा का जो विहंगम दृश्य था वो देखते ही बनता था। वो मैं बड़ा इस बात से अभिभूत हूँ क्योंकि ये कथा 15 जून तक चलेगी। मैं तो पूरे शहर से ये कहता हूँ कि इस कथा में आकर आनंद लें, परिवार सहित आएं और बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, ये तो खाटू श्याम बाबा की कथा है। अगर ये कीर्तन भी होता है तो हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं, और ये तो बाबा की प्रथम भगवत कथा है, तो इसमें तो बाबा अपने आप ही सभी पूरे आगरा वासियों को बुला लेंगे। और वैसे भी मेरा विश्वास है कि सभी आगरा वासी इस कथा में उपस्थित होंगे और बाबा की कथा का आनंद लेंगे। श्री मोरवी नंदन सेवा मंडल के द्वारा ताज नगरी की धरा पर विश्व की पहली श्री खाटू श्याम कथा उत्सव को लेकर महिला भक्तों में खासा उत्साह नजर आया। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।